इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर थ्री। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर टू एनसीईआरटी एग्जामिनर। तो आज हम करेंगे चैप्टर थ्री मैट्रिसेस एनसीईआरटी एग्जामिनर। बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस मैं जो कंसेप्ट है इस चैप्टर के वो आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो यही है कि मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस एक प्लूरल फॉर्म होती है और मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म होती है। अब मैट्रिसेस होता क्या है जो हमने स्टडी किया था। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। अब वो नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और फंक्शंस में आप लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, राइट। अब मैट्रिसेस में जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल की शेप है और ये इसके अंदर जो भी है ये एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर का मतलब रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन, फंक्शन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब ये जो आपका पार्ट होता है देखो इस तरह से, अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करता हूं तो इसको हम कहते हैं रोज, दीज आर रोज। दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज थ्री रोज, आर वन, आर टू एंड आर, राइट। और अगर मैं वर्टिकली बात करता हूं तो दीज आर कॉलम। दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज थ्री कॉलम, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, राइट। अब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है, एम इंटू एन, एम बाय एन। इसमें जो एम होता है हमारा वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जो एन होता है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज एम क्रॉस एन, दैट इज एम बाय एन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दैट इज टू, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दैट इज टू। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज टू बाय टू, दैट इज फोर, एंड यू कैन काउंट इट, वन टू थ्री फोर। तो अभी तक आपने क्या समझा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं आपके, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, दिस इज मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिक्स से ही बना आपका वर्ड है मैट्रिसेस, वो इसकी प्लूरल फॉर्म है। फिर हमने समझा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज का जो सिंबल होता है वो हम स्मॉल एम लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एन लेते हैं। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ वी नो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स देन वी कैन इजिली फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट विल बी इक्वल टू एम क्रॉस एन, एम इंटू एन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है वो किस तरह से होता है, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, जो अल्फाबेट्स होता है कैपिटल फॉर्म में, इस तरह से मैट्रिक्स का सिंबल लेते हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, राइट। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। If the order of two matrix is same, then those particular matrix will be equal. So, दो matrix equal कब होती है, जब उनका order क्या होता है, same होता है। और अगर दो matrix equal होते हैं तो जो corresponding elements होते हैं वो भी equal होते हैं। Corresponding elements भी क्या होते हैं, equal. For example, मैंने लिखा A, B, C, D. And I said it is equal to 1, 2, 3, 4. It means what? It means A will be equal to 1, B will be equal to 2, C will be equal to 3. D will be equal to 4. This is the next concept. फिर next concept जो हमने इस chapter में study किया था, that is types of matrix. Types of matrices. सबसे पहले जो हमने study किया, that is row matrix. If particular matrix has one row, then it is row matrix. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर one row.
कॉलम थ्री है लेकिन रो वन है, तो ये रो मैट्रिक्स है। एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज वन कॉलम, देन इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। यू कैन सी दैट यहाँ पर वन कॉलम है, रो थ्री है लेकिन कॉलम वन है। वन रो मैट्रिक्स, वन कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट, जो नेक्स्ट टाइप जो आती है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है, वन, कॉलम कितने है, वन, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितनी है, टू, कॉलम कितने है, टू, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें रो कितने हैं, वन टू थ्री, कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है डायगनल मैट्रिक्स। जैसे कि रेक्टेंगल में डायगनल होते हैं, दो डायगनल होते हैं, वैसे जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें भी दो डायगनल होते हैं। एक डायगनल होता है आपका प्राइमरी डायगनल, जैसे कि आप ये देख सकते हो इस तरह से, और एक डायगनल होता है आपका सेकेंडरी डायगनल। लेफ्ट साइड के टॉप से अगर आप स्टार्ट करते हो, जो डायगनल बनेगा वो आपका प्राइमरी डायगनल होता है। आपके सिलेबस में क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, तो आपको सिर्फ प्राइमरी डायगनल से ही को ही स्टडी करना है। सेकेंडरी डायगनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है प्राइमरी डायगनल, तो वी डील ओनली विद द प्राइमरी डायगनल। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, डायगनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। यहाँ आप देखो, नंबर ऑफ रोज तो आपकी कितनी है, टू, बट नंबर ऑफ कॉलम वन टू थ्री, नंबर ऑफ कॉलम थ्री, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगनल भी नहीं होगी। आप देख सकते हो, डायगनल जो होता है एक एंड से दूसरे एंड को टच करता है, और इसका आगे वाला जो ये पार्ट है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। तो डायगनल मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या है कि वो पहले क्या हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वो डायगनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। पहली बात ये कि डायगनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें जो स्टडी करना है वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगनल को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? प्रिंसिपल डायगनल, राइट। इन डायगनल मैट्रिक्स डायगनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। अगर आप कहते हो डायगनल मैट्रिक्स है, तो जो उसके डायगनल एलिमेंट्स का मतलब प्रिंसिपल डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हो, ये थ्री और फोर है, ये थ्री है, फाइव है, नाइन है, तो ये क्या डायगनल मैट्रिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती है जो हमने स्टडी किया था, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यू कैन सी दैट जो डायगनल एलिमेंट्स है, डायगनल एलिमेंट्स का मतलब प्रिंसिपल डायगनल, तो जो डायगनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है, थ्री थ्री, फाइव फाइव फाइव, तो ये आपकी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, राइट। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डायगनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन तो क्या होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। फिर डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें जो आपके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं होते। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। अगर प्रिंसिपल डायगनल्स के सारे एलिमेंट वन है, प्रिंसिपल डायगनल के सारे एलिमेंट वन है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या यूनिट मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, इफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब वन, जैसे नॉर्मली वन होता है, वैसे मैट्रिक्स में जो वन होता है उसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ये मैट्रिक्स का वन होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का नाम से समझ में आ रहा है आपको कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जीरो है, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, डार्क शेड में ओ, जीरो डार्क शेड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो हमने स्टडी किया था इस चैप्टर में, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गिवन मैट्रिक्स। तो देखो, इसके लिए कंडीशन होती है, अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स का, तो आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखो, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम दो मैट्रिक्स का करते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में होता है,
जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये टू के साथ तो चलो थ्री हो गया आपका, ये हो गया फाइव। सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड के पास जाओगे, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, फोर प्लस फाइव क्या होगा नाइन। वट अबाउट दिस वन, इसके लिए कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनके ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वन टू थ्री फोर प्लस जीरो वन जीरो टू, अब फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट, वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा ऐसे, सेकंड के साथ सेकंड हो जाएगा, टू प्लस वन हो जाएगा, थ्री के साथ क्या हो जाएगा जीरो, फोर के साथ क्या हो जाएगा टू। मेरी बात समझ में आ रही है? वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस जीरो फोर प्लस टू सिक्स, ये इस तरह से, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट, मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर। जैसे कि एक मैट्रिक्स है आपकी, यू कैन सी दैट दिस इज अ मैट्रिक्स थ्री फोर फाइव टू वन सेवन, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर, जैसे कि ये गिवन मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा थ्री ए फाइंड करो। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को हम थ्री से मल्टीप्लाई करें। अब देखो, जब किसी भी मैट्रिक्स को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है वो सभी अब थ्री से मल्टीप्लाई हो, ये थ्री जो होगा वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो थ्री थ्री जा नाइन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, वन थ्री जा थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, सेवन थ्री जा ट्वेंटी। ओके, क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट भी? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती, कब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है आपकी, राइट। अब इस मैट्रिसेस का रो और कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया, जिस मैट्रिसेस से मुझे मल्टीप्लाई करना है लेट द मैट्रिसेस बी वी, और उसका जो ऑर्डर है लेट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स बी आर टू बाय सी। अब कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जब फर्स्ट मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। इट मींस फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा एक मैट्रिसेस ए है, वन टू थ्री फोर, अब इसका ऑर्डर क्या है टू बाय, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं टू, फिर मैंने ले लिया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो भी क्या है टू रोज थ्री कॉल। मैंने क्या कहा आपको कि दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ रोज है सेकेंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम के, फर्स्ट मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ कॉलम है दिस इज नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन वी कैन मल्टीप्लाई ए मैट्रिसेस विद बी मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब मल्टीप्लाई करना कैसे वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई। वन टू थ्री फोर, ये होगी हमारी फर्स्ट मैट्रिसेस, दैट मान लो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है वन टू वन जीरो टू वन, राइट। अब अगेन जो कंडीशन है वो क्या है, इसका ऑर्डर तो टू बाय टू हो गया और इसका ऑर्डर हो गया टू बाय थ्री। अब कंडीशन किस पर लगेगी, फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज, इट शुड बी इक्वल, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इक्वल है। अब इक्वल है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई जब दो मैट्रिसेस को किया जाता है वो कैसे किया जाता है, फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब कैसे करेंगे, देखो मैं इसको
ले लेता हूं या थ्री ले लेता हूं। अब फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस का जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? वन इंटू थ्री, तो आपने लिखा वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिसेस की जो फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में आ गया साइन ऑफ प्लस, फिर फर्स्ट मैट्रिसेस के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया टू इंटू जीरो। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। अब क्या होगा? वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन इंटू थ्री, सॉरी वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू टू, सेकेंड रो थर्ड कॉलम थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू वन। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा। वन इंटू थ्री थ्री, थ्री प्लस जीरो थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, टू वन जा टू, टू प्लस फोर सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस एट फोर्टी, वन वन जा वन, वन प्लस टू थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन। अब इसका ऑर्डर देखो, टू रोस थ्री कॉलम। अब जरा ध्यान से देखो, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिसेस थी इसका ये वाला पार्ट क्या है? टू, और इसका ये वाला पार्ट क्या है? थ्री। यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपका जो प्रोडक्ट आया है वो उसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर है थ्री बाय फोर और दूसरी मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर है फोर बाय सिक्स, तो जब आप ए बी फाइंड करोगे मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू थ्री बाय सिक्स। तो जिनका ऑर्डर आएगा वो थ्री बाय सिक्स है। क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब ऑर्डर क्या आएगा? बाकी के जो दो पार्ट है, जो फर्स्ट मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ रोज है और सेकंड मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम, ये इसका ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मैट्रिसेस सी हैविंग ऑर्डर फोर बाय फाइव, मैट्रिसेस डी हैविंग ऑर्डर फाइव बाय नाइन, तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? यस, फाइव फाइव। और जो प्रोडक्ट हो के जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? फोर बाय नाइन, फोर बाय नाइन। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जैसे कि ये गिवन मैट्रिसेस है आपकी, ये अगर मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज का मतलब जैसे इसका जो सिंबल होता है जो आपने इलेवन क्लास में चैप्टर वन पढ़ा था सेट, वहां पे जो कॉम्प्लीमेंट का साइन होता था वो ट्रांसपोज का सिंबल होता है, यू कैन सी दैट। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करना, मीन्स कन्वर्टिंग रोज इंटू कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। मीन्स जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो क्लियर हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मीन्स अगर अगर गिवन मैट्रिक्स इसका ऑर्डर एम बाय एन है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन बाय एन। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, राइट? फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है आपकी? दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। के ए होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? कॉन्स्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा एंड इट विल बी कॉन्स्टेंट विद इन ब्रैकेट ए ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 7A होल ट्रांसपोज क्या होगा, 7 तो एज इट इज हो जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज, 7 विद इन ब्रैकेट ए ट्रांसपोज। अगर डबल ट्रांसपोज करोगे इट विल बी इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर हो गया? ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एंड देन फिर हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल आता है तो दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आता है दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 20। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स भाई, ऑर्डर का मतलब यही हुआ ना कि जो m बाय n है आपका नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, उसका प्रोडक्ट जो है 28 के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। 28 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 1 into 28, तो एक ऑर्डर ये भी पॉसिबल है। अब ये ऐसे भी तो हो सकता है 28 by 1, एक ये ऑर्डर आपका पॉसिबल है। फिर 2 into 14 भी हो सकता है, 14 into 2 भी हो सकता है, 3 के टेबल में तो 28 आता नहीं है, 4 into 7 हो सकता है, 7 into 4। तो दीज आर द पॉसिबल 6 ऑर्डर्स वी कैन हैव। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ व्हाट वी आर सेइंग कि 28 एलिमेंट से हम जो मैट्रिक्स बना सकते हैं वो कैसे कैसे बना सकते हैं। 1 रो एंड 28 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 28 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये होगी आपकी रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, बिकॉज रो मैट्रिक्स का मतलब हैविंग 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हैविंग 1 कॉलम। क्लियर हो गया यहां तक? और हम मैट्रिक्स किस तरह की अरेंज कर सकते हैं, 2 रोज 14 कॉलम, 14 रोज 2 कॉलम, 4 रोज 7 कॉलम, 7 रोज 4 कॉलम। फिर इस क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा गया व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब 13 एलिमेंट्स में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपके दैट इज 13, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 13, राइट। तो 13 का मतलब तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, 1 into 13 और 13 into 1, दीज आर द पॉसिबल, दैट्स इट, बिकॉज 13 आपका प्राइम नंबर होता है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, देर आर 3 रोज, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 रोज बाय, अगर मैं कॉलम की बात करता हूं तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं आपके 3। यहां तक क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 3 by 3, दैट इज 9, दैट इज 9। फिर आपसे पूछा गया एलिमेंट A23, A23 का मतलब देखो, ये फर्स्टली क्या होता है रो, फिर क्या होता है कॉलम। A23 का मतलब ये आपसे कहा जा रहा है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट बताओ, सेकेंड रो का जो थर्ड एलिमेंट, अब ये आपकी सेकेंड रो, देखो जब इनकी पोजिशनिंग होती है वो किस तरह से होती है, इट इज लाइक ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो कंटिन्यू है तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये आपका क्या है, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, देन थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, द
ए टू थ्री क्या है हमारा, ए टू थ्री इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर आपसे पूछा जा रहा है ए थ्री वन, ए थ्री वन, ए थ्री वन क्या है, दैट इज जीरो। फिर आपसे पूछा जा रहा है ए वन टू, ए वन टू क्या है आपका, दैट इज वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, कंस्ट्रक्ट ए टू बाय टू मैट्रिक्स। अब टू बाय टू मैट्रिक्स का मतलब क्या, देखो टू बाय टू मैट्रिक्स का मतलब लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी कैपिटल ए। टू बाय टू का मतलब टू रोज एंड टू कॉलम, दैट इज ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू। ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये टू बाय टू मैट्रिक्स, इसमें दो रोज है, इट हैज टू रोज एंड टू कॉलम। अब इस मैट्रिक्स ए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू वैल्यूज। इन एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होगी वो फाइंड करनी है, वो फाइंड करेंगे हम यहां से, राइट। लाइक फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए आई जे जो पोजिशन एलिमेंट्स है मैट्रिसेस के, वो किसके इक्वल है, आई माइनस टू जे। अब इसमें जो आई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज, ये रोज को आई जो है वो रो पोजीशन होती है और जे क्या होती है, कॉलम पोजीशन। तो अगर मुझे फाइंड करना है ए वन वन, तो मेरा जो आर है रो पोजीशन क्या है वो वन है, और कॉलम पोजीशन क्या है वो भी वन है। इट मीन्स आई की जगह मैं क्या पुट करूंगा, वन, और जे की जगह क्या पुट करूंगा, अगेन वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन बाय, तो ए वन वन तो आठ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए वन टू, ए वन टू ये क्या हो जाएगा, अगेन जो मेरी रो पोजीशन है वो तो आपकी क्या है, वन, और जो कॉलम पोजीशन है दैट इज जे वो आपका क्या है, टू। तो आई की जगह क्या हो जाएगा, वन, और जे की जगह क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बाय टू। तो वन माइनस फोर, माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, नाइन बाय। ये भी आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए टू वन, ए टू वन इट विल बी इक्वल टू अगेन आई की, आई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, टू से, और जे को हम रिप्लेस करेंगे वन से, होल स्क्वायर बाय टू। तो टू माइनस टू जीरो, ये तो जीरो हो गया आपका, ये भी आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है दैट इज ए टू टू, ए टू टू। अब आप आई को रिप्लेस करोगे टू से और जे को हम रिप्लेस करेंगे टू से, होल स्क्वायर बाय टू। व्हाट वी विल हैव, ए टू टू इट विल बी इक्वल टू टू माइनस फोर होल स्क्वायर बाय टू। तो ए टू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू माइनस फोर, माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, फोर बाय टू क्या हो जाएगा, टू, राइट। तो आपकी जो रिक्वायर्ड मैट्रिसेस है वो क्या है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, यही होगा। अब ए वन वन की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज वन बाय टू, तो आपने लिखा वन बाय टू। ए वन टू की जगह क्या आ जाएगा, नाइन बाय टू, नाइन बाय टू। ए टू वन की जगह क्या आ जाएगा आपका, जीरो, और ए टू टू की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट टू इज, दिस इज अवर पार्ट, अगेन टू बाय टू मैट्रिक्स। मुझे क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी टू बाय टू, अगेन ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, दैट इज टू बाय टू ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन वन, तो क्या होगा, माइनस टू इंटू वन, बिकॉज आई जो है आपका वो वन है, और जे जो है आपका वो भी क्या है, वन, तो प्लस थ्री इंटू वन, माइनस टू प्लस थ्री क्या होगा आपका, वन, तो ए वन वन हो गया आपका वन। तो मैंने ए वन वन की जगह लिखा वन, राइट, ये आ गया आपका वन। चलो ये हम बाद में एक साथ ही लिखते हैं। अब हमें फाइंड करना है ए वन टू, ए वन टू।
अब आई जो है आपका वो क्या है, वन, और जे आपका क्या है, टू। तो माइनस टू आई की जगह क्या आ जाएगा, वन, प्लस थ्री जे की जगह क्या आ जाएगा, टू। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस टू क्या हो गया, फोर, ये भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए टू वन, ए टू वन। अब आई किसको रिप्लेस करेगा, टू को, जे किसको रिप्लेस करेगा, वन। तो माइनस टू आई की जगह क्या आ जाएगा, टू, और जे की जगह क्या आ जाएगा, वन। माइनस फोर प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन, बट बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन इट विल बी वन, इट विल बी वन, राइट। देन ए टू टू, अब आई किसको रिप्लेस करेगा, टू को, और जे किसको रिप्लेस करेगा, टू, राइट। बट वी विल हैव नाउ माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू, माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स क्या होगा, टू, राइट। तो कैन आई से दैट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज बी, ए वन वन दैट इज वन, ए वन टू दैट इज फोर, ए टू वन दैट इज वन, और ए टू टू दैट इज, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स थ्री बाय टू, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज बी थ्री बाय मैट्रिक्स बी ए, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी ए, ठीक है, थ्री बाय टू। तो थ्री तो इसमें रोज होंगी, वन टू थ्री, थ्री रोज एंड टू कॉलम, वन कॉलम टू कॉलम। अब अगर मैं यहां पर पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स लिखूं तो क्या होगा, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए आई जे इट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आई डॉट एक्स, मीन्स आई इन टू एक्स साइन जे एक्स। नाउ वन बाय वन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन वन। तो जब आप ए वन वन फाइंड करोगे तो ये वन किसको रिप्लेस करेगा, आई को, ये वन किसको रिप्लेस करेगा, जे को। कैन आई से दैट, देखो ये हो जाएगा वन इंटू एक्स और ये हो जाएगा साइन वन इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स। तो आपका ए वन वन आ गया। अब आपको फाइंड करना है ए वन टू। अब आई किससे रिप्लेस करोगे, वन से, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स, और जे को हम रिप्लेस करेंगे टू से, ये हो जाएगा साइन टू एक्स, ये भी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए टू वन, ए टू वन। अब आई की जगह क्या आ जाएगा, टू, और जे की जगह आ जाएगा वन, तो ए टू वन भी फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है ए टू टू, ए टू टू, ए टू टू क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, टू, और जे की जगह भी क्या आ जाएगा, टू, ये भी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए थ्री वन। अब आई की जगह क्या आ जाएगा, थ्री, और जे की जगह क्या आ जाएगा, वन, एंड देन वी हैव टू फाइंड ए थ्री टू, ए थ्री टू, आई की जगह क्या आ जाएगा, थ्री, और जे की जगह क्या आ जाएगा, टू। क्लियर हो गया, ठीक है। इट मीन्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए, ये क्या होगा आपका, ए वन वन दैट इज ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स, ए वन टू दैट इज ई रेस टू पावर एक्स साइन टू एक्स, देन ए टू ई टू वन, ए टू वन क्या होगा, ई रेस टू पावर टू एक्स साइन एक्स, ए टू टू ये क्या होगा, ई रेस टू पावर टू एक्स साइन टू एक्स, ए थ्री वन ई रेस टू पावर थ्री एक्स साइन एक्स, ए थ्री टू ई रेस टू पावर थ्री एक्स साइन टू एक्स। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए इक्वल टू बी। आपको ये कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब अगर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी के इक्वल हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यही कंडीशन होती है, राइट। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इट इंप्लाइज कैन से दैट ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ए प्लस फोर जो है आपका इट विल बी इक्वल टू टू ए प्लस टू। टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ए, और फोर माइनस टू क्या हो जाएगा, टू। तो ए तो हमारा आ गया टू। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब देखो बी के लिए कंडीशन तो यहां से बनती है, थ्री बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू। फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो उसके क्या होगा, इक्वल। इट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर, ये प्लस थ्री बी है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस थ्री बी प्लस टू इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस बी प्लस टू इक्वल टू जीरो। बी अगर मैं कॉमन लेता हूँ बी माइनस टू, माइनस वन कॉमन लेता हूँ बी माइनस टू इक्वल टू जीरो। फाइनली व्हाट वी विल हैव, बी माइनस टू बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब बी आपका टू होगा और बी इक्वल टू वन। अब फाइनल आंसर कि बी टू होगा वन होगा या बी टू और वन दोनों ही होगा वो कैसे पता चलेगा, अब आप इक्वेट करोगे। देखो आपके पास एक कंडीशन और है बी की, कि माइनस सिक्स इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फाइव। माइनस सिक्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फाइव बी। अब आप एक एक करके बी की वैल्यू यहां पर पुट करो, आप पुट करो पुट बी इक्वल टू टू। अगर मैं टू पुट करता हूं तो माइनस सिक्स इक्वल टू क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू फोर माइनस टेन। तो माइनस सिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी इक्वल टू टू तो सेटिस्फाई कर रहा है, बी की वैल्यू टू तो हो। अब आप पुट करो बी इक्वल टू वन, अब आप पुट करो बी इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन। अब क्या ये माइनस सिक्स के इक्वल आ रहा है, वन माइनस फाइव माइनस फोर, ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए जो होगा हमारा वो होगा, ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी टू, और बी होगा हमारा टू, बिकॉज बी इक्वल टू टू जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। इफ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। हमने कंसेप्ट में क्या स्टडी किया था, दो मैट्रिसेस का जो सम है वो कब पॉसिबल है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं। अब यहां देखो जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, टू रोज टू कॉलम टू बाय टू, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, टू रोज थ्री कॉलम। एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, देयरफॉर एडिशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर वी कांट फाइंड द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। ओके तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन। फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स प्लस वाई फाइंड कर, देखो एक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, टू रोज थ्री कॉलम, और वाई का ऑर्डर भी क्या है, टू रोज थ्री कॉलम। तो हम एडिशन पॉसिबल है राइट, तो मुझे एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई तो क्या होगा, थ्री वन माइनस वन, फाइव माइनस टू माइनस, प्लस टू वन माइनस वन, सेवन टू फोर। अब एडिशन कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड होगा, लाइक थ्री किसमें ऐड होगा, टू, वन किसमें ऐड होगा आपका, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड, राइट। देन सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा,
सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट में ऐड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2, 1 के 1 1 प्लस 1 -1 -1, 5 प्लस 7 -2 प्लस 2 -3 प्लस 4। कैन आई से दैट एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, -1 -1 -2, 7 प्लस 5 12, -2 प्लस 2 0, एंड 4 -3 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, राइट। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 2x-3y। इन पार्ट टू वी हैव टू फाइंड 2x-3y। अब x और y की जो आपकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप ये देखो 2x, मैंने आपको स्केलर मल्टीपल बताया था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर आप 2 से किसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस मैट्रिसेस के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 2 मैट्रिसेस x, 3 1 -1 5 -2 -, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इंप्लाइज इट विल बी इक्वल टू 2 3 6। अब 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 1 2, 2 into -1 -2, 2 5 10, 2 into -2 -4, 2 into -3 -6। ये आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है 3y, 3y मैट्रिसेस की वैल्यू क्या है, 2 1 -1 7 2। तो 3 into matrices y क्या होगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 into -1 -3, सभी एलिमेंट्स के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 3 2 6, एंड 3 4 12। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको फाइंड करना है 2x-3y। नाउ 2x-3y, 2x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 6 2 -2 10 -4 -6, -3y, 3y की वैल्यू क्या आई है, 6 3 -3 21 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के साथ सॉल्व होगा, इट विल बी इक्वल टू, अब देखो 6 के साथ क्या होगा, 6, तो 6 -6, 2 के साथ होगा 3, 2 -3, -2 और -- क्या हो जाएगा, प्लस, तो -2 प्लस, देन 10 -21, -4 -6, -6 -12। ये क्लियर हो गया, ठीक है। व्हाट वी विल हैव नाउ, 6 - 6 हो जाएगा 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 10 - 21 -11, -4 - 6 -10 - 12 - 6 हो जाएगा -8। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैट्रिक्स जेड फाइंड करनी है, हमें जेड मैट्रिक्स को फाइंड करना है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो एक जीरो मैट्रिक्स है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। पार्ट थर्ड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स वाई, मैट्रिक्स जेड इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स का सिंबल हो। अब जो मैट्रिक्स एक्स है आपका, ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है, राइट, दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे,
थ्री वन माइनस वन, फाइव माइनस टू माइनस, वाई की जगह क्या आ जाएगा आपका, टू वन माइनस वन, सेवन टू फोर। अब जेड मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी, बट हमें ये पता ऑर्डर तो सेम होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये जितने एलिमेंट्स यहां पर है उतने एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, जो ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस का वही इसका हो, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है जीरो मैट्रिसेस के इक्वल है। अब जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, टू बाय थ्री, तो ये भी क्या होगा, जीरो 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 जीरो, ये जीरो मैट्रिसेस की वैल्यू होगी, राइट। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू दैट इज फाइव, वन प्लस वन दैट इज टू, माइनस वन माइनस वन दैट इज माइनस टू, फाइव प्लस सेवन दैट इज ट्वेल्व, माइनस टू प्लस टू, टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो, माइनस थ्री प्लस फोर दैट इज वन, प्लस ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। कैन आई से दैट ए बी सी डी ई एफ, प्लस है मैट्रिसेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस फाइव टू माइनस टू ट्वेल्व जीरो वन। तो इसका मतलब जो आपकी जेड मैट्रिक्स होगी भाई, ये पूरी जेड मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल होगा, माइनस को आप शिफ्ट कर दो, माइनस फाइव माइनस टू टू, माइनस ट्वेल्व जीरो माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन इज फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके अब देखो जब आप इसको सॉल्व करो, अब एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सभी एलिमेंट्स के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, टू एक्स, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स, देन अगेन टू को मल्टीप्लाई करूंगा फिर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट के साथ टू मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू एट क्या हो जाएगा सिक्सटीन, टू इंटू फाइव एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, टू इंटू फोर क्या हो जाएगा एट, टू इंटू फोर एक्स क्या हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू, अब टू भी इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू डायरेक्टली कर देते हैं, टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एट जा सिक्सटीन, टू इंटू ट्वेंटी फोर फोर्टी एट, टू इंटू टेन ट्वेंटी, टू इंटू सिक्स एक्स ट्वेल्व एक्स, क्लियर है तक, ठीक है। नाउ टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, टू एक्स प्लस टेन एक्स तो ये हो गया ट्वेल्व एक्स, थ्री एक्स प्लस एट और एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। अब आपको नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन फोर्टी एट ट्वेंटी ट्वेल्व एक्स। अब देखो अगर मैं 12x को 48 से इक्वेट करता हूं, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होता है, इट मीन्स व्हाट, 12x जो है वो किसके इक्वल होगा 48 के, तो x किसके इक्वल होगा 4, आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ, राइट। ऐसे अगर मैं 3x प्लस 8 को 20 के इक्वल करता हूँ, 3x प्लस 8 इक्वल टू 20, तो 3x इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 8 क्या होगा आपका 12, एक्स की वैल्यू 4, फिर आपकी 4 आ रही है, राइट। और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x को 12x के इक्वल करता हूँ, देखो यहां से तो इक्वेट होके कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बचा क्या ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स इक्वल टू आपने क्या 12x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स प्लस एट
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन अगर आप एक्स कॉमन लेते हो तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब या तो एक्स आपका 0 आ रहा है या एक्स आपका 4 आ रहा है, आपको फाइंड करना है नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स। नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स फिर क्या आएगी, 4 4 4। इसका मतलब रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स इट विल बी इक्वल टू 4 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैट्रिसेस ए गिवन है, मैट्रिसेस बी गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के हिसाब से तो इक्वल होता है, बट इस केस में जब आप मैट्रिसेस का सम करोगे प्रोडक्ट करोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे, स्टेप वन ए प्लस बी फाइंड करेंगे, स्टेप टू ए माइनस बी फाइंड करेंगे, स्टेप थ्री दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। स्टेप फोर ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। स्टेप फाइव बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, दैट इज बी इंटू बी। एंड देन स्टेप सिक्स ये हम डिफरेंस निकाल रहे, तो करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी, देखो ये आपका ए है ये बी, तो मैं फाइंड करूंगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, 0 1 1 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 1 1, राइट। तो ये हमारा आ गया 0 प्लस 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 0 0 2 1। ये हम यहां लिख लेते हैं, जो हमारा a प्लस बी आ गया वो आ गया 0 0 2 1 0 0 2 1। अब हमें फाइंड करना है a माइनस बी, तो 0 1 1 1 माइनस 0 माइनस 1 1 0, तो अब क्या होगा, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। तो ए माइनस बी आ गया 0 2 0 1, ए माइनस बी आ गया हमारा 0 2 0 1 0 2 0 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। अब ए प्लस बी आया था 0 0 2 1, तो ए प्लस बी की जगह लिखा 0 0 2 1, और ए माइनस बी क्या आया था, 0 2 0 1 0 2 0 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होता है, फर्स्ट फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। अब भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हो सारे 0 है, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये भी हो गया। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, अब क्या होगा, 0 इंटू 2 0 0 इंटू 1 0, ये भी 0 आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या आएगा, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 0 और 5। तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी 0 0 0 5, ये भी लिख लेते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये आ गई 0 0 0 5 0 0 0 5। अब आते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मुझे पहले निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटो तो मैंने ए और बी की जो वैल्यू है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर, पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, राइट।
ए स्क्वायर, तो क्या होगा ए इंटू ए, ए आपका है 0111, 0111, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 जीरो, 1 इंटू 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 जीरो, 1 इंटू 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, तो जो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1, तो मेरा ए स्क्वायर आ गया 1 1 1, तो मैंने यहां लिखा ए स्क्वायर आ गया 1 1 1। चलिए अब हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर, बी आपका 0 माइनस 1 1 0, वैल्यू ऑफ बी इज 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, ये आपकी बी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। बी स्क्वायर क्या होगा, बी इंटू बी विच इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 0 इंटू 0 जीरो, माइनस 1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 जीरो, -1 इंटू 0 जीरो, 1 इंटू 0 जीरो, 0 इंटू 1 जीरो, 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 0 जीरो, तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, -1 0 0 -1, ये आ गया बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर हमारा था 1 1 1, ए स्क्वायर था 1 1 1, 1 1 1। अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 1 1 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है -1 0 0 -1, तो व्हाट वी विल हैव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, देन 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है, अपर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 1 1 और 3, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई थी 0 0 0 5, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी 0 0 0 5, तो आप देख सकते हो can say that it implies left hand side is not equal to right hand side, hence okay, so इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इज आपको देखो तीन डिफरेंट मैट्रिसेस के बारे में, फर्स्ट मैट्रिसेस इज 1 x 1, सेकेंड मैट्रिसेस इज 1 3 2 2 5 1 15 3 2, देन थर्ड मैट्रिसेस इज 1 2 x, द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री डिफरेंट मैट्रिसेस इक्वल टू 0, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो हमने जो अभी तक सीखा है वो क्या सीखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस, एक साथ तीन का प्रोडक्ट तो हमें पता ही नहीं है कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, और ये जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज 3 कॉलम। हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होती है, जब फर्स्ट मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, जो यहाँ आप देख सकते हो है, इट मीन्स
वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स। अब कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास, वन इंटू वन प्लस सेकेंड एलिमेंट एक्स इंटू टू प्लस थर्ड एलिमेंट वन इंटू फिफ्टी, ये हो गया राइट। देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, बट वी विल हैव वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री प्लस एक्स इंटू फाइव प्लस वन इंटू थ्री, देन दिस रो विथ थर्ड कॉलम, नाउ व्हाट वी विल हैव, वन इंटू टू प्लस एक्स इंटू वन प्लस वन इंटू टू राइट। तो ये हो गया इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, ये हमारा क्या आ गया इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। अब इसके आगे जो नेक्स्ट मैट्रिसेस है वो क्या है, दैट इज वन टू एक्स, और इक्वल टू में क्या है जीरो, इक्वल टू में क्या है जीरो ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन, एक्स इंटू टू टू एक्स, फिफ्टीन इंटू वन फिफ्टीन, देन थ्री इंटू वन थ्री, एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स, थ्री इंटू वन थ्री, टू इंटू वन टू, एक्स इंटू वन एक्स, टू इंटू वन टू विथ वन टू एक्स, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो क्या होगा, फिफ्टीन प्लस वन ये क्या हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस टू एक्स, सिक्सटीन प्लस टू एक्स, थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव एक्स, टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा वन टू एक्स, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो राइट। नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, सिक्सटीन प्लस टू एक्स इंटू वन, व्हाट वी विल हैव, सिक्सटीन प्लस टू एक्स, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट, सो व्हाट वी विल हैव, प्लस टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, टू इंटू फाइव एक्स टेन एक्स, देन थर्ड एलिमेंट विद थर्ड एलिमेंट प्लस फोर इंटू एक्स फोर एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, व्हाट वी विल हैव, एक्स स्क्वायर, देन फोर एक्स प्लस टेन एक्स फोर्टीन एक्स प्लस टू एक्स सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व दैट इज ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी विल डू मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ट्वेंटी एट के ऐसे फैक्टर की सिक्सटीन आ जाए, फोर्टीन टू जाए ट्वेंटी एट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, एक्स कॉमन आ जाएगा विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, प्लस फोर्टीन कॉमन आ जाएगा विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, देन एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो राइट। वेन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस टू, वेन एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस फोर्टीन, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स आर माइनस टू एंड माइनस फोर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिसेस हैज बीन गिवन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती है? वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो वन होते हैं। डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वन होते हैं। कौन से डायगनल एलिमेंट? प्रिंसिपल डायगनल। ओके, अब हमें फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है इसमें कि हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो ये आपकी इक्वेशन, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल टू आनी चाहिए जीरो मैट्रिसेस के। अब इसमें देखो वैल्यू ऑफ ए मैट्रिसेस हमारे पास है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। तो ए मैट्रिसेस भी हमारी क्या होगी, 1 0 0 1। अगर इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 बाय 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी फिर हम कौन सी लेंगे जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा। चलो आई भी गिवन है, ए भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। ए आपका क्या है, 5 3 -1 -2। फिर एक ही जगह क्या आ जाएगा, 5 3 -1 -2। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 5 दैट इज 25 +3 × -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज -3। देन 5 × 3 दैट इज 15, 3 × -2 दैट इज -6, देन -1 × 5 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 5 दैट इज -5, -2 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन -1 × 3 दैट इज -3, और -2 × -2 ये क्या हो जाएगा, प्लस 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो क्या होगा, 25 - 3 दैट इज 22, 15 - 6 दैट इज 9, -5 + 2 - 3 - 4 - 3 ए स्क्वायर आ राइट। अब जो आपकी इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर -3 है -7, ए स्क्वायर -3 a -7 i -7। अब वन बाय वन वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर आ गया हमारा 22 9 -3 1 -3 a, वैल्यू ऑफ ए, ए है हमारा 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2 -7। आई क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो क्या आ जाएगा, 22 9 -3 1। मैं प्लस कर रहा हूं, -3 को अंदर लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, -15 -9। -3 - 1 क्या हो जाएगा, +3। -3 - 2 क्या हो जाएगा, +6। फिर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, -7 को अंदर लेके जा रहा हूं, तो -7 0 0 -7। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ सॉल्व करेंगे, दैट इज 22 -15 एंड -7, देन 9 -9 + 0 राइट, -3 + 3 + 0, और ये आपका है 1 + 6 - 7। फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 22 - 22, 0 9 - 9 0, तो ये आपका 0 मैट्रिसेस के इक्वल आ गया, दैट इज इट इज इक्वल टू RHS। जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो तो हमारा हो गया, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 मैट्रिसेस के इक्वल है। अब इस इक्वेशन से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर -3 a - 7 i, नाउ ए स्क्वायर -3 a - 7 i इज इक्वल टू 0 मैट्रिसेस। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स राइट, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -3 a - 7 i इक्वल टू ए इनवर्स 0। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए,
माइनस थ्री, फिर ए इनवर्स इंटू ए, माइनस सेवन, फिर ए इनवर्स इंटू आई, जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो मैट्रिसेस के इक्वल ही आए। देन देखो ए इनवर्स मैंने आपको कहा था, जैसे नॉर्मल नंबर में वन जो प्रॉपर्टी शो करता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी भी वही होती है जो वन की प्रॉपर्टी होती है। अब होता क्या है, देखो ए इनवर्स का मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, वन बाय ए इंटू ए, तो वन ही आएगा ना, तो वन का मतलब मैट्रिसेस में क्या होता है, आई, तो ये हो गया आई। फिर ए इनवर्स को ए से करूंगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आई। और ए इनवर्स को वन को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है, तो अगर मैं ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी ए इनवर्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए, और थ्री इंटू वन क्या होगा आपका, थ्री इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सेवन ए इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो सेवन ए इनवर्स क्या हो जाएगा, अब इसको थ्री इंटू वन, थ्री मत कर देना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और किसी मैट्रिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आई रहेगा, राइट। तो सेवन ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस थ्री आई यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। तो फाइनली जो आपका सेवन ए इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, थ्री। अब जो ऑर्डर है वो 2/2 हुआ, तो 1001 माइनस ए, ए की जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की जगह क्या लिखूं मैं, 5, 3, -1, -2, राइट। तो व्हाट वी विल हैव, सेवन ए इनवर्स इक्वल टू 3003 -5, 3 -1, -2। तो फाइनली सेवन इंटू ए मैट इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 3 -5, 0 -3, 0 --+1, 3 -++2। तो फाइनली ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, क्या हो जाएगा, 1/7, 3 -5, -2, 0 -3, -3, 0 + 1, 1, और 3 + 2, 5। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।